सभी प्रेस बंधुओं को नमस्कार। आज आप सभी को यहाँ पे निमंत्रण किया, जिसका कारण वह है आपने कुछ दिन से आप सुन रहा है पूरा डेली टेलीग्राम में दिया है कि अंडमान निकोबार का जो नाम रीनेम किया गया है, ये रीनेम जो बीजेपी सरकार द्वारा ये किया गया है, इसको हम खंडन करते हैं। क्योंकि पोर्ट ब्लेयर जो नाम है, ये पोर्ट ब्लेयर जो है ये ऐतिहासिक नाम है। ऐतिहासिक नाम को जो है आज इन्होंने इन सरकार द्वारा बदला गया, तो इसलिए ये खंडन करता है कि ऐतिहासिक को आप मत बदलिए। कि कोई भी अंडमान निकोबार वासी इसमें राजी नहीं होगा, और हम तो कथा ही राजी नहीं है, क्योंकि क्यों बदलेगा, बदलने से क्या होगा। आज नाम को बदल दिया, कुछ बना है क्या अंडमान में? कुछ तो बना नहीं। आज इतना बड़ा समस्या इस अंडमान निकोबार में चलता है, आप मेडिकल में जाइए, ये जीबीपन में जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, एमआरआई मशीन नहीं है, एमआरआई मशीन काम नहीं करता है, सीटी स्कैन मशीन काम नहीं करता है, कितना हजारों पेशेंट जो दूर दराज से आता है, एक महीना, डेढ़ महीना, दो महीना यहाँ पे एडमिट रहता है एमआरआई करने के लिए, लास्ट में वो बेचारा डिस्चार्ज लेके जाना पड़ता है। नाम बदलने से इसको सुधारा है, ये सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। आज आप NH4 का परिस्थिति देखिए। आज NH4 में MP जीतने के बाद, ये इलेक्शन का बाद कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे MP महोदय उनके सरकार नाम बदलने में लगा है। आज हर घर में बेरोजगार युवा एक दो तीन आप देखने मिलेगा। आज 7,000 वैकेंट पोस्ट अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के पास में है, वो वैकेंट पोस्ट को जो है फिलअप नहीं किया जा रहा है, लेकिन इधर में बीजेपी सरकार और उनके साथी मिलके अंडमान निकोबार का नाम बदलने जा रहा है। क्या होगा इस द्वीप का, क्या परिस्थिति होगा? आज अंडमान का जमीन का स्टेटस क्या है? आज एक टुकड़ा जमीन को अब हाउस साइट में कन्वर्ट नहीं होता है, एक टुकड़ा जमीन को अब कमर्शियल नहीं होता है। सर्कल रेट इतना ज्यादा आप करके रखा है जिसमें रजिस्ट्रेशन हो नहीं पाता है, और आज पूरा अंडमान निकोबार में रजिस्ट्रेशन बंद है, सारा प्रक्रिया बंद है। क्या हो रहा है यहां में? बीजेपी सरकार वहां भाई लूटता है कि भाई हम अंडमान का नाम चेंज कर दिया, अंडमान का जुबाव को कुछ हुआ, इससे अंडमान का निवासी क्या हासिल किया है, ये हमारा बीजेपी बंधु से हम जानने चाहता है, बीजेपी सरकार से हम जानने चाहता है। अंडमान का नाम हम बदला है, अब बदलने जा रहा है, इसमें कुछ हासिल होने वाला नहीं। एक तरफ में तो देखा है कि श्री विजयपुरम नाम रखा है, लेकिन उनका ही MP ये बोल रहा है कि भाई भारतपुरम, श्री भारतपुरम। तो बोला भाई ये क्या बात है, क्या फिर दोबारा रीनेम किया गया है क्या? MP सब बोल रहे हैं कि श्री भारतपुरम, यहां पे डेली टेलीग्राम हर जगह में श्री विजयपुरम,
ये दो किस्म का नाम जो दिखाई देता है, आप सोच के देखिए, इसको प्रोनसेशन नहीं होता है, ऐसा ये काम करने जा रहा है। तो हम दुखी है बहुत, अंडमान निकोबार के निवासी सारे भाई बहन सारे बुजुर्ग, ये जो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है इसके लिए बहुत दुखी है, और कांग्रेस पार्टी इसको छोड़ने वाला नहीं है, जरूर आवाज उठाएगा ये, जब तक ये नाम नहीं बदलेगा तब तक हमारा संघर्ष चलेगा। धन्यवाद। मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। जैसा अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि काफी दिनों से चर्चा है, हमारे पोर्ट ब्लेयर सिटी का नाम बदलकर श्री विजयापुरम रखा गया है। निसंदेह बड़ी शंका होती है कि बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है 2014 से, एक ट्रेडिशन चला उनका, भले काम ना करो लेकिन नाम बदल दो। अरे नाम बदलने से क्या होता है, आदमी का काम देखा जाता है, नाम नहीं। अब लोगों का, अंडमान के लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, जब से भारत आजाद हुआ पोर्ट ब्लेयर सिटी का नाम से अंडमान के लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, उस सेंटिमेंट्स को मारने का काम किया गया ये भाजपा सरकार द्वारा। कई लोगों ने फोन किया, बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को आवाज उठाना चाहिए, आप लोग कुछ बोलिए, क्योंकि रात को हम लोग को नींद नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों का सोचना है, क्योंकि कई दिनों से जब हम छोटे थे बचपन से हम लोग बोल रहे हैं पोर्ट ब्लेयर सिटी पोर्ट ब्लेयर सिटी, अचानक से आप अगर नाम बदल दिए, पिछले दिनों जब देखा तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर, अरे क्या साबित करना चाहते हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, क्या जताना चाहते हैं। यहाँ नौकरी का समस्या है, बिजली का समस्या है, रोड का समस्या है, हर तरफ समस्या, हमारे बेरोजगार युवा रोड में घूम रहे हैं। आज का वाक्य मैं देखे, मैंने यूट्यूब में देखा था, शायद रोहित जी थे एयरपोर्ट में, हमारे बच्चे जो यहाँ पढ़ लिख कर बैंक से लोन लेकर एयरपोर्ट में गए तो वहां पर इतना पैसा उनको भुगतान करना पड़ता है। तो ये मतलब ये दुख कहाँ जाके बोलेंगे, अपने अंडमान में जीने के लिए हम लोग क्या मरना और सेक्रीफाइस करना। हम लोग एक तो अंग्रेजों से हम लोग लड़ के आए, देश को छीन के लाए, अब इनसे लड़ना हम लोग, इतना दुख लगता है और हंसी आता है कि हमारा माननीय सांसद महोदय बोल रहे हैं कि ये भारतपुरम हो गया, तो ये मतलब एक जोक जैसा, उनको यही नहीं पता कि क्या नाम रखा गया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाजपा सरकार को चाहिए, आप सत्ता में हैं, आपका एमपी है, आपको चाहिए लोगों का सेंटिमेंट्स को समझे। यहाँ बहुत सारे इश्यूज है, हेल्थ इशू है, एजुकेशन सेक्टर में प्रॉब्लम है, मेडिकल में डॉक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, कहीं स्पेशलिस्ट नहीं है, इसका बारे में क्या जानकारी नहीं है हमारे एमपी साहब को, इसका बारे में क्या सरकार को पता नहीं है। लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, जिसका पास पैसा है भाई वो प्राइवेट में जाएगा, जिसका पास पैसा नहीं है जीबी पंथ में जाएगा, अपना जान गंवाएगा। तो मेरा ये सवाल है कि प्रशासन को जब ये नाम बदलना था तो कम से कम पब्लिक डोमेन में लाते, पब्लिक का राय पूछते। अंडमान का लोग सिर्फ वोट दे के क्या चुनने के लिए है क्या? अंडमान का लोगों का हक है हर चीज में पूछना चाहते, अंडमान का लोगों का आवाज है, हम पूछते हैं कि आपने ये नाम कैसे बदला, जब अंडमान का लोगों का सेंटिमेंट उससे जुड़ा हुआ है, रात भर नींद नहीं आता, एक नाम चला आ रहा है, अचानक से नाम बदल दिया। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि आपने किसी से पूछा नहीं, आपने किसी से सलाह नहीं लिया, ना कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से आपने पूछा, आपने साइन किया और नाम बदल दिया। तो मतलब हम जो सोचेंगे, जो डिक्टेटरशिप, जो मनमानी हम सोचेंगे वही करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएगी, अपना धरना करेगी और अपना आवाज को बुलंद करेगी जब तक ये नाम बदला नहीं जाएगा। बीच में स्वराज दीप और शहीद दीप करके क्या वहां हासिल हुआ, क्या लोगों को नौकरी मिल गया, क्या लोगों को और कुछ मिल गया? तो ये इनका क्या पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये नाम बदलने का उनका एक जो तमाशा ये लोग कर रहे हैं ना भाजपा सरकार, इसमें मेरे को कुछ नहीं समझ रहा, और अंडमान का लोगों को भी नहीं समझ रहा। जो चीज के लिए एमपी को चुना, केंद्र में सरकार आया, ठीक है परिवर्तन होता है, ये लोग परिवर्तन करते हैं, हम भी मानते हैं परिवर्तन किया, लेकिन कुछ काम तो करके दिखाओ। आप देश को हिंदू मुस्लिम का नाम पे तोड़ रहे हैं, आप देश को मजहब और जाति का नाम पे तोड़ रहे हैं, तो आप क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो आप क्लियर करो।
आप नाम बदल देंगे तो सब कुछ थोड़ी बदल जाएगा। जो इतिहास उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं, जो संविधान उसको बदलने का कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूं, जो नाम ये बदला गया है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, इसका खंडन करती है, और जब तक ये नाम वापस नहीं लिया जाएगा कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करते रहेगी। और सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद, आभार, थैंक यू, जय हिंद। आज हम लोग इधर आया हुआ है कि बहुत बड़ा अजीब किस्म का एक गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आया, पोर्ट ब्लेयर शहर का नेम चेंज, पोर्ट ब्लेयर से लेके श्री विजयपुरम। ये नाम चेंज का क्या जरूरत था? अभी पोर्ट ब्लेयर एक ऐतिहासिक नाम था। हम आज नाम चेंज करके क्या अचीव किया है? आज ये जो इंपैक्ट जो क्रिएट कर रहा है लोगों को जो मन में है, बहुत बड़ा इंपैक्ट। आप देखा होगा जो सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सारा जन अपोज कर रहा है, क्योंकि ये क्या थॉट प्रोसेस है गवर्नमेंट का हमको समझ में नहीं आता। गवर्नमेंट सारा जगह में फेल हुआ, अंडमान का इसमें सड़क में फेल हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में फेल हुआ, पानी में फेल हुआ, एजुकेशन में फेल हुआ, एम्प्लॉयमेंट में फेल हुआ। अभी इन लोग हमारा डायरेक्शन चेंज कर रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा ये मुद्दा को उठा के एजिटेशन कर रहे हैं, अभी नाम चेंज को हम लोग अपोज करके एजिटेशन करेगा, बाकी सब मुद्दा हम लोग भूल जाएगा। ये बहुत बड़ा एक साजिश है गवर्नमेंट का। देखिए पोर्ट ब्लेयर का नाम कैसा आया, 1769 में लेफ्टिनेंट ब्लेयर ये पूरा आर्चिपेलागो को पूरा सर्वे किया, पूरा सर्वे करके आज भी वो सर्वे जो है वैलिड है। आज भी जो वो डेप्थ सर्वे किया है, आज भी जो जो बैरिंग्स किया है, वो सब आज भी वैलिड है। आज भी हमारा शिपिंग आदमी उसी को यूज कर रहा है। हमारा 572 आइलैंड्स है, मान लीजिए उसमें आधा के ऊपर अंग्रेजी का नाम है, सबको चेंज कर दो। फिर आप बोलेगा कि मेरा अब्बा का नाम भी आधार कार्ड में चेंज करेगा। सब चेंज करो आप लोग, आपका मर्जी है। आप बताइए ये लेफ्टिनेंट ब्लेयर जो है कोई अंग्रेज का मूवमेंट में नहीं था, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में उसका एक नेगेटिव रोल नहीं था, जैसे जनरल डायर का था, एक टेररिस्ट था जनरल डायर, एकदम एक टेररिस्ट है, उसका नाम कहीं में आया तो चेंज करो। ये लेफ्टिनेंट ब्लेयर का कोई रोल नहीं था, वो ही डिस्कवर्ड दिस आइलैंड इवन बिफोर ये आइलैंड अंडमान के साथ जोड़ा था। उस टाइम में ये इंडिया के साथ, सॉरी इंडिया के साथ जोड़ा नहीं था, ये अंडमान अलग ब्रिटिश आके इधर में पीनल सेटलमेंट किया है। उसके बाद एक बड़ा एक ऐसा एक ये चला कि अंडमान को इंडिया का साथ जोड़ना, कि इंडोनेशिया के साथ जोड़ना, कि बर्मा का साथ जोड़ना और इंग्लैंड का साथ रखना। अंडमान में जो इंडिया का जो फ्रीडम फाइटर्स जो था सेटल हुआ, इन लोग बोला नहीं अंडमान इंडिया का साथ जोड़ना है, वैसा जोड़ा है। नहीं से हम लोग अभी इंडोनेशिया का साथ रहता था, नहीं से बर्मा का साथ रहता था। हमारा फ्रीडम फाइटर्स जो ये किया, आप इतिहास चेंज करने मनता, आप इतिहास को चेंज करने मनता, बहुत बड़ा एक गलती आप हो रहा है। आप नाम चेंज करके बता, ये बहुत बड़ा करप्शन है। नाम चेंज करने से आपको आधार कार्ड में चेंज करना, आपका पासपोर्ट में चेंज करना, आपका आईलैंडर आईडी कार्ड चेंजना, पैन कार्ड चेंज करना, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आप सब में चेंज करना। एक पुअर आदमी, एक गरीब आदमी जो गांधीनगर गणेश नगर में रहता है, आप सोचिए वो उसका क्या तकलीफ होगा कि वो नाम चेंज एक डॉक्यूमेंट में चेंज करने में। आप बोलेगा नहीं नहीं
ऑनलाइन है, उधर में तो ऑनलाइन तो है ही नहीं, वो आना पड़ेगा डिगलीपुर। इवन डिगलीपुर में रहने वाला को आप सोचिए, इतना डॉक्यूमेंट्स, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और कितना है अपना राशन कार्ड, इतना चेंजेस, आप क्या जरूरत था? ये गवर्नमेंट अपना फेलियर को छुपाने के लिए ये कर रहा है, अदरवाइज इसका जरूरत नहीं था। ओके, एक बात है, श्री विजयपुरम का क्या सिग्निफिकेंस है? आप नाम रख दिया श्री विजयपुरम, बस निकलेगा केरलापुरम से, केरलापुरम तो विजयपुरम है, ये नाम चेंज आप क्या वास्ते किया है? सिग्निफिकेंस क्या है ये नाम चेंज का? सिग्निफिकेंस विजयपुरम का क्या है? कोई बोलता है कि वो टाइम में वो चोला का किंग आया, चोला का किंग आया नहीं है पोर्ट ब्लेयर में, चोला किंग का प्रवेश हुआ निकोबार में, उसका निकोबार का पुराना नाम था नक्कवरम, नक्कवरम करके रखा था क्योंकि उधर में इन लोग सब नंगा था। आज आप जाके निकोबार का नाम चेंज करके दिखाइए, आज आप निकोबार का नाम चेंज करके दिखाइए, इतना बड़ा एक एक, एक, एक ये तो जुमला गवर्नमेंट है, जुमला ही गवर्नमेंट है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है कि ये जो प्रपोजल आप लोग किया है, मालूम नहीं कितना 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 जगह से आपको ये समर्थन मिलेगा, कोई अंदमान निकोबार का आदमी से ये समर्थन नहीं मिलेगा। ये माननीय उपराज्यपाल जी कुछ नहीं किया 7 साल में, खाली नामकरण चेंज, नामकरण किया, वो 10 आइलैंड कुछ नाम्स चेंज किया, कोई फ्रीडम फाइटर्स का नाम है, बहुत अच्छा बात है, शहीद लोग का इसमें किया, वो बहुत अच्छा बात है। विजयपुरम क्यों है? आप कोई अच्छा सॉलिड फ्रीडम फाइटर का नाम है आप चेंज करो, जैसे हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड चेंज किया, आप स्वराज द्वीप किया समझ में नहीं आता, शहीद द्वीप किया, वो द्वीप में कौन शहीद हुआ हमको मालूम नहीं है, वो तो सेटलमेंट है, ईस्ट बंगाल का सेटलमेंट है। हम कांग्रेस पार्टी के तरफ से इसका कड़ी विरोध करते हैं, और आगे जाके हम लोग कुछ भी कारोबार करेगा, कुछ भी इसका इफेक्ट होएगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन देखिए कैसा चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन, पब्लिक का जो मूड को, पब्लिक का मूड क्या है भाई, करंट नहीं है 10-10 घंटा, पानी 3 दिन में एक बार आ रहा है, सड़क तो ऐसी मतलब ये आप मिडिल नॉर्थ का रोड का देखा हालत, वो प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा घर में बैठा है, नौकरी नहीं मिलता, डेली रेटर में कहीं के काम करता, ये सब इश्यूज को अभी डाइवर्ट कर दिया, अभी कांग्रेस पार्टी होने दीजिए, बाकी पार्टी होने दीजिए, बाकी सब मुद्दा छोड़ देगा, यही तो आप चाहता है, यही तो आप चाहता है। आपका जो फेलियर ये नाम है, ये विजयपुरम आपका फेलियर का एक ट्रेडमार्क आपका, हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसको विरोध करता है, और आगे जाके हम लोग कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके उसका रिलीफ हम लोग अभी आजकल तो जितना तक हमको मालूम है सारा रिलीफ तो कोर्ट से मिलता, आप देख रहे हैं रोज आपको कोर्ट का एक रूलिंग है, ये आदमी को अंदर डाल दिया कोर्ट बाहर निकालता, ये कुछ रूलिंग दिया कोर्ट इसको विरोध करता, यही होता है। तो हम लोग भी और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि ये तमिल में एक कहावत है, सेवडंगादल संग उदन हमारी, सेवडंगादल संग उदन हमारी, जो बेरा उसका बीन बजाना, ये एडमिनिस्ट्रेशन वो है, ये हमारा एलजी वो है, हमारा प्रशासन वो है, और इसके ऊपर हम पूरा का पूरा सारा पार्टी, सारा संस्था, सारा ऑर्गेनाइजेशन, हम आपका माध्यम से रिक्वेस्ट करता है सारा ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये पॉलिटिकल मोटिव नहीं है हमारा, ये आइलैंड का इश्यू है। सो कोई भी संस्था, आप कोई भी संस्था इनिशिएटिव लेगा हम भाग लेगा,
हम आके भाग लेगा, ऐसी ही आप लोग भी मेहरबानी करके भाग ले लीजिए। धन्यवाद सर। एक सवाल सर, जैसा भी आपने जो बात कही कि ये जो नाम चेंज किए, तो ये प्रपोजल सर जब आया था, लेकिन नॉर्थ मिडल अंडमान में जो अध्यक्ष है वो आपकी कांग्रेस की है, और साउथ अंडमान में जो अध्यक्ष है वो भी आपकी कांग्रेस की है, और म्युनिसिपल चेयरपर्सन वो भी आपकी की पार्टी के है, तो उन तीनों का भी इसमें जो है दस्तखत करते हैं। और एक वॉइस क्लिप भी आया था जिसमें साउथ अंडमान की जो अध्यक्ष है उन्होंने जो है खुद ये चीज माना है कि उन्होंने उसमें जो है साइन किया है, और उनका ये कहना है कि कोई लेडी उनके पास आई थी प्रपोजल लेके, उन्होंने जो है साइन किया, देन उनके ये कहना है कि अगर आगे कोई प्रोसेस होगा तो उसमें वो भाग लेंगे। तो कहीं ना कहीं सर देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है अब कांग्रेस के जो ये तीन पद के जो लोग हैं इन्होंने भी साइन किए, तो जब इन्होंने साइन किया इसके बारे में क्या प्रेसिडेंट साहब आपसे और चेयरमैन साहब आपसे इन्होंने कुछ बातचीत की? देखिए एक ही बात है, हमारा कार्यकर्ता वहां पे अध्यक्ष है, दोनों नॉर्थ एंड मिडिल और आपका साउथ अंडमान, प्लस चेयरमैन हमारा म्युनिसिपल का है। हमें इसका जानकारी नहीं है, लेकिन जब वॉइस मैसेज सुना कि हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन पार्टी का एक ही स्टैंड है, पार्टी ये चीज को नहीं मानता कि एक अध्यक्ष से एक चेयरमैन से इसको लिया है, इन लोग का लिया है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें चली गया कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन उसको घुसला के दिया और डंडा दिखा के दिया, कोई कुछ करके उसको जबरदस्ती उसको सिग्नेचर दिया, उसमें मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन पार्टी का यह कि स्टैंड है, पार्टी इसका विरोध करता है, चाहे हमारा अध्यक्ष साइन करे चाहे हमारा चेयरमैन साइन करे। देखिए इस विषय को लेकर आप लोग एक सिग्नेचर कैंपेन कीजिए, केजी भास्कर जी है जो आपके कैंपेन कमेटी के चेयरमैन है, तो एक करके कम से कम जितना भी आपके जो भी मेंबर्स है वो अगर जुड़ के इस मुद्दे को बढ़ाए तो कहीं ना कहीं देखिए और भी पार्टी जो है इस मुद्दे पर आपका भी सपोर्ट करेगा, और सिर्फ पार्टी नहीं, स्टेक होल्डर्स हो गया और जितने भी एनजीओस हो गए, क्योंकि देखिए ये जो भी हुआ है इसमें काफी लोग जो है मतलब उनको जो है काफी खराब लग रहे, लोग जो है काफी लोग ऑन स्क्रीन नहीं आ रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन समर्थन आपको सबको मिलेगा। देखिए ऐसा है कि हमारा जो अध्यक्ष और चेयरमैन जो ये दिया है, हम लोग शोकास नोटिस तैयार है, आज प्रेसिडेंट साहब ने भेजेंगे, और वो शोकास नोटिस को इन लोग रिप्लाई देना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा मुद्दा है टूरिज्म को लेके, आप बताइए टूरिज्म का कोई, आज चेन्नई से आया है, सब लोग उधर में चर्चा शुरू हो गया कि क्या नाम रख दिया श्री विजयपुरम, एक अट्रैक्टिव नाम नहीं है टूरिज्म में, आप पूरा इफेक्ट होएगा टूरिज्म में, इंटरनेशनल टूरिस्ट जो आ रहा है उसको समझने में पूरा ये होगा। गूगल मैप आप आज सर्च करके देखिए, आप बस में नाम चेंज कर दिया, आज डेली टेलर में नाम चेंज कर दिया, वर्ल्ड वाइड जहाँ पे लोग टूरिज्म इंडस्ट्री से हमारे यहाँ के बच्चे जुड़े हैं उनका सेंटिमेंट्स को लगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड देखते हैं अंडमान निकोबार का कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर, सबका जहन में बैठा है, अचानक से भी करेंगे तो सबको तो आहत होगा ना, तो पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री को उन्होंने मारा है, नो पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री को मारा, नो डाउट अबाउट इट। सर आपको नाम से दिक्कत है या अट्रैक्टिव नाम नहीं होने के वजह से दिक्कत है, अगर कुछ और नाम होता अगर किसी तो फ्रीडम फाइटर क्रांतिकारी या किसी इनके पे नाम होता तो आप उसको एक्सेप्ट करते या इस नाम के वजह से? जरूर एक्सेप्ट करते हैं, अगर कोई फ्रीडम फाइटर का नाम, जैसा हमारा रॉस आइलैंड, नाम रॉस आइलैंड कितना अट्रैक्टिव था, फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किया है, हम लोग तो उसको विरोध नहीं किया क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर था। अगर आप एक फ्रीडम फाइटर का नाम करना है तो हम लोग कैसे विरोध करेंगे उसको? पोर्ट ब्लेयर, देखिए पोर्ट ब्लेयर का अगर वो देखा जाएगा तो ये पोर्ट ब्लेयर लेफ्टिनेंट ब्लेयर भी एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट था अंडमान अंदर में, वो ही अंडमान को डिस्कवर किया 1769 में, 1789 में तो वही डिस्कवर किया, और वो आके इधर में पूरा सर्वे किया है, लैंड सर्वे किया, सी सर्वे किया, सी का डेप्थ सर्वे किया, उसका नाम चेंज करने में आप लोगों को क्या जरूरत था? नहीं आप नाम चेंज करने का बोल रहे हैं, लेकिन अंडमान का कोई पब्लिक बोला कि हम लोगों को नाम पसंद नहीं, हमारा नाम चेंज करो, किसी का कोई आवाज नहीं था,
कोई जगह से कोई आवाज नहीं आया ना कि नाम बदलना है। नहीं नहीं ओनली रॉस आइलैंड शहीद द्वीप, आप बताओ नील आइलैंड को शहीद द्वीप में उधर में कौन शहीद हुआ? नहीं लगा। गलत है, गलत आप मन मर्जी सारा गलत है, सारा गलत आप मन मर्जी से काम कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है तब तभी तो डॉक्यूमेंटेशन चेंज करने में वगैरह सब ओनली दो आइलैंड। आप आज बताओ कौन आदमी उसको शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप बोल रहा है? आज भी आपका जहन में तो नील आइलैंड डेवलप कर वही तो आ रहा है। आज आप चेंज कर दिया रॉस आइलैंड का नाम है, सारा आदमी तो रॉस आइलैंड बोल रहा है। कुछ समय पहले तक चेन्नई मद्रास हुआ करता था, कोलकाता कैलकाटा हुआ करता था और मुंबई जो है बॉम्बे हुआ करता था। समय के अनुसार लोगों के जुबान पर वो भी तो आई है। नहीं आज भी मद्रास है, आज भी मद्रास, आज का हिंदू पेपर निकाल के देखिए, आज का हिंदू पेपर निकाल के देखिए, आज देखिए वो पुराना आदमी सब मद्रास ही बोलता। कोलकाता कलकत्ता वो ज्यादा ये नहीं हुआ, मुंबई मुंबई ज्यादा फर्क नहीं हुआ, ठीक है बस। तो ये तो है ना, आप चेंज करो ना, आप आपका अब्बा का नाम आधार कार्ड में चेंज कर दो ना, सबका खत्म हो गया। ये तो मेरा अब्बा का नाम चेंज किया है पोर्ट ब्लेयर, ये जो है मेरा अब्बा का नाम है, अब चेंज कर दिया। हमें ये पता चला है कि जैसे कहते हैं ना कॉलोनियल लेगेसी, उसको हटाने के लिए क्या करें? इट इज नॉट कॉलोनियल लेगेसी, ही इज द फाउंडर ऑफ पोर्ट ब्लेयर, ही इज द फाउंडर ऑफ अंडमान, ही वाज अ ब्रिटिशर एज वेल। सो व्हाट, यू विल अपोज ऑल द ब्रिटिशर्स? आपका प्राइम मिनिस्टर जाके ब्रिटेन के साथ ये कर रहा है, अग्रीमेंट्स कर रहा है, कॉलोनियल था ना, अब ब्रिटेन के साथ क्यों अग्रीमेंट कर रहा है? तो आप सारा इसमें G7 में ब्रिक्स सब कुछ में आप जाके बैठ रहे, नहीं बैठना था उसके साथ? तो इस तरह आई थिंक 19 फरवरी 1984 जब कांग्रेस का राज था यहाँ पे, हमारा जो लाइट हाउस है कैम्बर बे, उस वक्त भी तो पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सल पॉइंट कहा जाता था लाइट हाउस को, उसको भी तो बदलकर इंदिरा पॉइंट किया गया ना सर। देखिए इंदिरा गांधी जी का देन, हम इसलिए हम बोला आप फ्रीडम फाइटर्स का नाम चेंज करो तो अपोज नहीं करेंगे। मैडम ने अपना जान कुर्बानी दिया देश के लिए, देश के लिए अपना जान कुर्बानी दिया, उसका बेटा अपना भी कुर्बानी दिया, उसको चेंज करने वो क्या लाइट हाउस का क्या एरिया है बताओ? लाइट हाउस का कोई सिग्नल नहीं, कोई आदमी उधर रहता है? कोई आदमी उधर रहता है? किसी का पोस्ट लेटर चेंज हुआ? किसी को पोस्ट लेटर से आप एक सोल को आप रेस्पेक्ट दिया? ये किसका सोल है? विजयपुरम किसका सोल है? दिस वाज डन बिफोर हर डेथ सर, वो 19 फरवरी 1984 को हुआ था, उनका डेथ तो आई थिंक 31 मार्च नहीं अक्टूबर में, 31 अक्टूबर या 84 को हुआ, इससे पहले ये नाम बदल दिया गया था। ये हमने आज और भी जो लोग हैं, आज हमने बहुत लोगों से एक सर्वे लिया था, उन लोगों से हमने बात किया, तभी ये सारे सवाल हमारे ज़हन में है। उन्हें पूरा यकीन था कि कांग्रेस इस पर अपनी आपत्ति जताएगी, आलोचना करेगी इस नाम बदलने को लेकर, तभी हम ये सवाल कर रहे हैं आपसे कि उस बारे में आप लोगों का क्या कहना होगा कि जैसे इंदिरा गांधी जी अपने जीवन काल में ही एक लाइट हाउस पॉइंट का नाम बदल देती है, आई थिंक लोगों का उतना श्योर नहीं है क्योंकि उसका उतना इतिहास मालूम नहीं है, उसका जीते जी ही ये नाम बदल। प्लीज टेल मी वेयर इट वाज इनिशिएटेड, बाय हुम इट वाज इनिशिएटेड। I can tell you 100% not by Madam Gandhi. कितना डिपार्टमेंट्स है, तो लाइट हाउस डिपार्टमेंट शायद वो मैडम को मैडम का नाम रख दिया होगा। इट इज नॉट इनिशिएटेड बाई इंदिरा गांधी मैडम, इवन इफ इट वॉज इनिशिएटेड, आज ये डिस्कशन में हम लोग नहीं जाना है क्योंकि शी इज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर, अपना जान कुर्बानी दिया, कुर्बान दिया, सो इसमें आपको डिस्कशन करना ही नहीं है। ये विजयपुरम क्या है बताओ ना? आप एक पत्रकार है, इतना स्टडी करके आप 1984 में चले गया, आप बताओ ना विजयपुरम का क्या इतिहास है? एज एवरीवन इज सेइंग कि ये चोलामंडलम जब था इंडिया में, चोल साम्राज्य था यहाँ पे साल इंडिया में, तब उन्होंने जो है इंडोनेशिया में अटैक वो
ऑक्यूपाई करने के लिए यहाँ का पोर्ट को इस्तेमाल किया गया था इस मकसद से कि हम वहाँ पे विजय पाएंगे. सो मिक्सिंग ऑल दिस थिंग्स इज लाइक मार्को रेस्पेक्ट विजय इज टू एक्वायर द इंडोनेशियन लैंड. आपको यमीन जी आपको ना हम एक हम एक एक नहीं हम आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इधर में पुराना लोग बहुत है, प्लीज मेहरबानी करके इन लोग से बात करिएगा. ये जो इश्यूज आप जो रेज कर रहे हैं, हम मेरा इसमें बोला कि निकोबार में इन लोग था नक्कावरम. आप निकोबार का नेम चेंज कर दिखाओ, निकोबार का नाम चेंज करो. अभी भी बोल रहा आप चेंज करो, हिम्मत है तो चेंज करो. एक ट्राइबल एरिया में घुसकर नाम चेंज करेगा? सर अंडमान और निकोबार में तो अंग्रेजों का द्वारा दिया गया नाम है. नाम चेंज करो, इंडिया भी अंग्रेजों का नाम चेंज करो. इंडिया का नाम चेंज कर दीजिए, इंडिया का नाम चेंज कर दो.